आने नहीं दे रहे ना। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अब क्या करें, इकोनॉमिक सर्वे एक अभी हाल में ही आया है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार केवल नवंबर 16 से लेकर नवंबर 17 के बीच केवल इतने एक साल के अंदर जितने व्यापारियों ने अपना रिटर्न फाइल किया है उनकी संख्या 1,15,00,000 से 1,15,00,000 से एक साल में जितने व्यापारी भाइयों ने अपना रिटर्न फाइल किया है। और मैं यह मानता हूं कि 130 करोड़ में से आज यदि देखा जाए तो लगभग 6 करोड़ 10 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनका कि टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसके साथ उनका जुड़ाव है, यानी टैक्स के लिए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, या बाद उसके 6 करोड़ 10 लोगों के आसपास है। तो चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे इंसॉल्वेंसी बोर्ड हो, आज का प्रभाव मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज भले ही उसका लाभ बहुत अधिक का महसूस हो रहा हो लेकिन वो दिल दूर नहीं है कि आगे वाले दिनों में चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो हमारा नोटबंदी का फैसला हो, चाहे इंसॉल्वेंसी बोर्ड है, इसका लाभ देश को मिलने वाला है और देशवासियों को मिलने वाला है, यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। जहां तक आर्थिक अपराधों को रोकने का प्रश्न है उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क को जितना प्रभावी बनाया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है, उसको भी बनाने की हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इस सच्चाई को जानता हूं क्योंकि मैं व्यापारी समाज के साथ बहुत ही नजदीक से जुड़ा हूं और इस सच्चाई को मैं अच्छी तरह जानता हूं। हमारा व्यापारी भाई प्रायः यह कोशिश करता है कि हमारा जो कारोबार हो पूरी ईमानदारी के साथ हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो, यह हमारा व्यापारी भाई चाहता है। लेकिन कभी कभी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसके कारण